जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और जूनियर डॉक्टर्स केवल इमरजेंसी सेवाएं ही देंगे। सुविधाएं और संसाधन नहीं मिलने से जूनियर डॉक्टर्स नाराज हैं। चार सूत्रीय अपनी मांगों को लेकर प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा है और दूसरा दिन आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का। तो कोविड काल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने से जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, मरीज खासे परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि केवल इमरजेंसी सेवाएं ही जूनियर डॉक्टर्स देंगे, तो अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। चार सूत्री मांगे जिनको लेकर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया है। और जूनियर डॉक्टर्स की आखिर क्या मांगे हैं, इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, किन मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, और क्योंकि आज दूसरा दिन है, कोविड काल में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जहां जरूरत है तो वहीं डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं अभी बनाई जा रही हैं वो भी जानकारी दीजिए। देखिए, ये वो समय है जब सबको अपनी जान की फिक्र है, और ऐसे समय में जब कोविड के केसेस की भरमार रायपुर में दर्ज की जा रही है और उन लोगों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, ऐसे में जो लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं उनको भी अपनी जान की फिक्र है, और ख़ास तौर पर जो नॉर्म्स बने हैं उसका पालन नहीं होने से जूनियर डॉक्टर नाराज है। उनका कहना है कि कोविड हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर जाते नहीं हैं, जूनियर डॉक्टरों को इसके पास सारी जिम्मेदारी है। ऐसे में उनको जो पीपी किट्स मिलने चाहिए, नए मास्क मिलने चाहिए, हर बार विजिट के समय ये सारी चीज़ें बदली जानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। ख़ास तौर पर जो संसाधन मिलने चाहिए जो लोग कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको, वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही हैं, और इन्हीं सब बातों की शिकायतें उन्होंने पहले प्रबंधन को की थी। अब अपनी चार सूत्री मांगों के साथ इस प्रमुख मांग को शामिल करते हुए उन्होंने हड़ताल में जाने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से जो रूटीन के काम जूनियर डॉक्टर देखते थे वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं अभी भी जूनियर डॉक्टर्स दे रहे हैं, और कोविड में जो लोग सेवा दे रहे थे वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दे दी है, और इस चेतावनी का असर आने वाले समय में कोविड के में काम करने वालों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल आज हड़ताल का दूसरा दिन है और रूटीन की जो सेवाएं हैं वो जरूर प्रभावित हुई हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं डॉक्टर दे रहे हैं, प्रबंधन लगातार उनसे बातचीत कर रहा है। कल टीएस सिंहदेव ने भी इस संबंध में प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि जो प्रमुख मांग है उस पर कम से कम चर्चा हो जाए और उसके लिए विशेष निर्देश दे दिए जाएँ, ताकि इस पूरे मसले को पटाक्षेप किया जा सके और जल्द ही सारे लोग काम पर लौट सकें। जी बिल्कुल, और उम्मीद भी है कि ऐसे समय में जब डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका मोहन जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल चल रहा है और उनकी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं ज़रूर ये जूनियर डॉक्टर्स दे रहे हैं।